गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट क्लास 9 का स्टडी मटेरियल। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन सिचुएशन है, पढ़ने के लिए कोचिंग हमारे को कोचिंग सेंटर नहीं खुल पा रहे हैं या हम नहीं जा पाएंगे उनके अंदर, तो हम लोग स्टडी मटेरियल की हेल्प से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आरएमसी का जो हमारा पेपर था वो जिस दिन शेड्यूल था उसी दिन हुआ है, तो मोस्ट प्रॉबली ये टेस्ट भी हमारा उसी दिन होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये लेकर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टेस्ट जिस दिन होता है थर्ड संडे ऑफ दिसंबर मिलिट्री का और फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी सैनिक का उसी दिन होगा, तो उसके लिए हम लोग अब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते थे उनको हम डेली असाइनमेंट देते थे, उन सबको कंपाइल करके हमने स्टडी मटेरियल बना दिया है जो जिससे घर बैठे बच्चे इसको यूटिलाइज कर सकें। ये हमारा 7 बुक्स का है। फर्स्ट है मैथमेटिक्स, देन रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन साइंस एंड देन सोशल साइंस। ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पेपर में आते हैं। उसके बाद है हमारा क्लास टेस्ट एंड देन हमारा मॉक टेस्ट। अब हम उनको एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारा मैथ्स। इस मैथ्स की बुक के अंदर हमारे पास 18 टॉपिक्स हैं। यह है आपकी मैथ की बुक 9th क्लास मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल के एंटर डिजाइन के लिए। इसके अंदर है 21 टॉपिक्स और इस बुक के अंदर आपको हर एक चैप्टर के पहले नोट्स मिलेंगे और उसके बाद आपको उसकी असाइनमेंट मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है परसेंटेज चैप्टर डिस्कस हो रहा है, तो इसमें कितना परसेंट है। पूरा डब्बा खाली है तो 0%, पूरा डब्बा भरा हुआ है तो 100% या 50% एंड सो ऑन। तो पहले आपको नोट्स मिलेंगे, उनके सोल्ड एग्जांपल्स मिलेंगे और उसके बाद आपको उस चैप्टर की एक्सरसाइज मिलेगी। तो इस बुक के अंदर 21 चैप्टर हैं। ये है आपकी मैथमेटिक्स की बुक। देन सेकंड है आपकी रीजनिंग की बुक, इसके अंदर है 27 टॉपिक्स। इसके अंदर भी सेम है, पहले आपको टॉपिक की इंट्रोडक्शन मिलेगी, एनालॉजी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और उसके सोल्ड एग्जाम्पल मिलेंगे और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर उसका एक्सरसाइज। अब हर एक चैप्टर के बाद आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ चैप्टर में 70 क्वेश्चंस भी हैं, कुछ में 100 भी हैं, बट 50 तो हर किसी में है ही है। ये है आपकी रीजनिंग की क्लास 6 की मिलिट्री और सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए बुक। दिस इज योर थर्ड बुक, इंग्लिश की है। इसके अंदर आपका नाउन चैप्टर डिस्कस हो रहा है, जैसे तो पहले नाउन कौन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, वो आपके नाउन आ गए यहाँ पर और यहाँ पे आपकी उसकी एक्सरसाइज 50 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज। तो इस बुक के अंदर आपके पास 23 टॉपिक्स हैं या 23 चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर के पहले आपको नोट्स मिलेंगे, उसके सोल्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे और उसके बाद आपको उसकी असाइनमेंट मिलेगी। तो ये है 9th क्लास के लिए इंग्लिश की बुक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फोर्थ बुक है आपकी साइंस की। इस साइंस की बुक के अंदर हमारे पास टॉपिक्स हैं यूनिवर्स, सोयल। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। अब ये आपका चैप्टर चल रहा है, ये पूरा आपका चैप्टर है यूनिवर्स और इसमें आपके पास यहाँ पर अब नीचे से यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। पीछे सारे इसके नोट्स थे और यहाँ पर अब आगे इसके एक्सरसाइज शुरू हो गई है। जितना आप एक्सरसाइज में नोट्स में से पढ़ पा रहे हैं, कितना उसको आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में एनालाइज कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स आपको कि आप लोगों को पढ़ तो लिया मगर आपको ये नहीं पता कि उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमारे सभी बुक्स के अंदर MCQ दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपको मिलिट्री और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में आने हैं। तो ये थी आपकी 9th क्लास साइंस की बुक। नेक्स्ट 5th बुक है आपकी SST की। इस बुक के अंदर अगेन पहले आपको नोट्स मिलेंगे। इस बुक के अंदर हमारे 15 चैप्टर्स हैं और इसके अंदर पहले आपको नोट्स चल रहे हैं, हिस्ट्री, मुगल्स कब आए, मराठास कब आए, कौन कौन कब कब आए, क्या क्या किया उन्होंने, ये आपके नोट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में अगेन फिर आपकी एक्सरसाइज होगी। तो हमारा पैटर्न सेम है, हर बुक में पहले आपको चैप्टर का नाम बताया जाएगा,
फिर उसके आपको नोट्स दिए जाएंगे, उनके एग्जाम्पल आकर डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद आपको उसकी एक्सरसाइज मिलेगी जो कि आपने सॉल्व करनी है, वो भी मिलिट्री और सैनिक स्कूल में जैसा पेपर आता है वैसे ही पैटर्न। उसके बाद है हमारे क्लास टेस्ट। इस बुक के अंदर आपको 15 क्लास टेस्ट मिलेंगे और क्लास टेस्ट में क्या है, ये आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं। जैसे आप लोगों को कम से कम 15 वीक्स लगेंगे इस सारे सिलेबस को कवर करने में, तो फर्स्ट वीक में जो आपने टॉपिक्स कवर करे हैं उसके यहाँ पे आपको टॉपिक्स लिखे हुए हैं। वैदिक मैथ्स करना है आपने, रेडियल एक्सपोनेंट्स करना है, ये दोनों टॉपिक हो गए आपके मैथमेटिक्स के। देन सेंटेंसेस एंड नाउंस, ये दो टॉपिक हो गए आपके इंग्लिश के। डिफेंस फोर्सेस एंड मुगल्स, ये हो गए आपके SST के। यूनिवर्स हो गया आपका साइंस का। अल्फाबेटिकल सीरीज एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, ये हो गया रीजनिंग का। रीजनिंग आपको सैनिक स्कूल में आती है, मिलिट्री स्कूल में नहीं आती, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री और सैनिक की। रीजनिंग को छोड़ के बाकी सारा सिलेबस आपका कॉमन है, तो हम यहाँ पे आपको रीजनिंग की भी तैयारी कराते रहते हैं। ये होती है जनरल इंटेलिजेंस, आपकी इमेजिनेशन पावर कि आप कैसा इमेजिन कर रहे हैं, आपकी विजुलाइजेशन कैसी है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ब्लड रिलेशंस, ये सब रीजनिंग का ही पार्ट है। तो ये हो गया आपका टेस्ट वन। ये 7-8 टॉपिक हैं, ये टॉपिक्स आपने पिछले एक हफ्ते में तैयार कर लिए हैं, एक्सरसाइज कर ली है, डाउट सेशंस ले लिए हैं। जब आपके वो क्लियर हो जाए फिर आपने टेस्ट देना है। ये था आपका टेस्ट वन, ये सारा हो गया है आपका। अब आएगा आपका टेस्ट टू। अब टेस्ट टू में अगेन ऊपर टॉपिक लिखे हुए हैं, मैथ्स के 2-3 टॉपिक हैं, 2 इंग्लिश के, 2 साइंस के, 2 SST के। अब आपने इन टॉपिक्स को अगले एक हफ्ते में तैयार करना है। जब आपके वो टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाए उसके बाद आपने फिर ये टेस्ट टू देना है। इस तरह 15 वीक्स में, अप्रोक्सीमेट 15 वीक्स में आप सारा सिलेबस कवर कर लेंगे और ये बुक आपकी 15 वीक्स में आपका सारा सिलेबस कवर कराने में आपको हेल्प करेगी। जब आपका ये हो जाता है उसके बाद लास्ट है हमारे पास 7 बुक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होते हैं जैसा पेपर आपको मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में आएगा, हर टॉपिक के 2-2 1-1 क्वेश्चंस, टोटल 200 क्वेश्चंस, 50 मैथ्स के, 50 रीजनिंग के, 50 साइंस के, वैसा सही प्रॉपर पेपर बना हुआ है। हम ये मान सकते हैं कि जैसा पेपर आपको मिलिट्री सैनिक में आएगा सेम वैसा ही पेपर यहाँ पर है। तो इस बुक के अंदर हमारे पास 18 मॉक टेस्ट हैं, 10 मॉक टेस्ट हैं मिलिट्री स्कूल पैटर्न पर और 8 मॉक टेस्ट हैं हमारे सैनिक स्कूल पैटर्न पर। सिलेबस सेम है, मिलिट्री स्कूल में 200 क्वेश्चन आते हैं तो हमने 200 डाल रखे हैं, सैनिक स्कूल में 150 क्वेश्चन आते हैं तो 150। सिलेबस और टॉपिक सभी में सेम है बट क्वेश्चंस वहाँ पे वेरिएशन होती है तो हमने भी इसमें वेरिएशन कर रखी है। ये है आपका मॉक टेस्ट वन मिलिट्री स्कूल का। अब इसमें आपको पहले आ गया मैथमेटिक्स, फिर आएगा आपका रीजनिंग, सॉरी मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, देन SST के आएंगे 30 क्वेश्चन, देन हिंदी के आएंगे 20 क्वेश्चन, फिर साइंस के 50 क्वेश्चन और फिर इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। सो टोटल ये पेपर आपका 200 मार्क्स का है, 200 क्वेश्चन है। 9th क्लास मिलिट्री स्कूल में रीजनिंग नहीं आती, हिंदी आती है। 9th क्लास सैनिक स्कूल में हिंदी नहीं आती और रीजनिंग आती है, बाकी मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस ये चारों में आती है। ये तो है आपके मिलिट्री के। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसी बुक के सैनिक स्कूल्स के लिए। तो ये है आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSEE, उसका मॉक टेस्ट। अब इसके अंदर 50 क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स के, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 SST एंड 25 साइंस की। सो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 4 सब्जेक्ट्स के, 50 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के और 5 सब्जेक्ट्स आने हैं और 5 सब्जेक्ट्स के आपके 150 क्वेश्चन हैं। मैथमेटिक्स चल रहा है, मैथमेटिक्स के हैं आपके 50 क्वेश्चन। देन मैथमेटिक्स के बाद शुरू होता है आपका रीजनिंग, 25 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के बाद इंग्लिश, 76 से लेकर 100 तक के आपके क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। देन आपका आ गया साइंस, 101 से लेकर 125 तक आपके हो गए साइंस के। और उसके बाद हमारे पास है इसमें SST, 126 से लेकर 150 तक हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे SST के। बाकी सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। इस
सनी स्कूल वाले पेपर में और मैथ्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। तो टोटल ये 150 क्वेश्चंस आपके 400 मार्क्स के आते हैं, 200 मार्क्स की मैथमेटिक्स और 200 मार्क्स का बाकी चारों सब्जेक्ट्स। तो मैथमेटिक्स इसमें आपका इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। तो ये थी आपकी मॉक टेस्ट की बुक, जिसके अंदर सैनिक और मिलिट्री स्कूल के आपके मॉक टेस्ट हैं। उसके बाद मिलती हैं आपको यहाँ पर आंसर कीज, जो आपने अभी 7 बुक्स डिस्कस करी हैं इन सब बुक्स की आंसर की, आंसर की ऑफ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, देन मॉक टेस्ट एंड क्लास टेस्ट। और उसके बाद मिलते हैं आपको OMR शीट्स, क्योंकि मिलिट्री और सैनिक में आपको पेपर OMR शीट पे ही करना होता है। SI में आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपका नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी। बी पार्ट में आपके पास यहाँ पे MCQ बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ए, तो यहाँ पे आपने ए को ओवर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, तो यहाँ पे आपने बी को, एंड सो ऑन। तो ये OMR शीट है, जो कि आई थिंक बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी होती, मगर पेपर वहाँ पे आपको इस पे ही करके देना है। तो ये है आपकी OMR शीट। सो ये सारा हमारा स्टडी मटेरियल है, OMR शीट्स, आंसर कीज एंड 7 बुक्स का हमारा स्टडी मटेरियल। इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं नीचे और ऊपर 2 हमारे टेस्ट हैं। पहले आप वीकली टेस्ट देंगे और उसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप बात करते हैं तो हमारे को इन पेपरों की तैयारी करने के लिए 100+ टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, और वो सारे टॉपिक्स अलोंग विद देयर ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज, या क्वेश्चन बैंक भी कह सकते हैं, वो सब आपको अवेलेबल है। हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। जब आप क्लास टेस्ट की बात करेंगे तो क्लास टेस्ट में फिर आपको हर चैप्टर के 20-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो हर एक टेस्ट में इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन हर टॉपिक के हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि आपको हर एक चैप्टर के मोर देन 100 क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे। तो ये है सारा हमारा स्टडी मटीरियल। ये जो स्टडी मटीरियल था हमारा, जिसको हम 9 बुक्स का कहते हैं, इसमें 5 बुक्स हैं आपकी सब्जेक्ट्स की, 6 बुक है आपकी क्लास टेस्ट की, 7 बुक है आपकी मॉक टेस्ट, 8th है हमारे पे यहाँ पे OMR शीट्स, जो आपने इनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, और 9th पेरेंट्स के लिए आंसर शीट्स, हर किसी के आंसर्स। हमने बुक में जान के नहीं डाले हैं आंसर की, जिससे बच्चे उनकी हेल्प ना ले सकें या टेस्ट करते हुए वहाँ से आंसर आके फेयर ना कर सकें। तो आप बिना डरे बच्चों को ये बुक्स दे सकते हैं, जिस पे वो अपनी तैयारी करें। जब आपको चेक करना होगा तब आप इन आंसर कीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस स्टडी मटेरियल की कॉस्ट है 5,000 रुपीज, इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। पैक करके जो कोरियर चार्जेज या स्पीड पोस्ट चार्जेज हैं, वो सब मिला के इसकी कॉस्ट है 5,000 रुपीज। अभी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं।